हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे गुप्त नवरात्रि और जो दूसरी नवरात्रि आती है उसमें क्या अंतर है। आखिर गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रि, आपने नाम सुना होगा, गुप्त नाम है इसका, मतलब छुपी हुई नवरात्रि, इसका नाम ही गुप्त है। इस नवरात्रि में लोग तंत्र और मंत्र विद्या की साधना करते हैं। इस नवरात्रि में लोग मोक्ष प्राप्ति की साधना करते हैं। जो बसंत और शारदीय में नवरात्रा आती है, उस नवरात्रा से ये नवरात्रा बिल्कुल अलग है। इसमें लोग, इसमें अगौरी लोग अपने मंत्र, अपनी महाविद्याओं का साधना करते हैं और उन विद्याओं को मजबूत बनाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और वो गुप्त स्थान पर रहकर इन सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं और इन महाविद्याओं की प्राप्ति करते हैं। वो बाहर आके नहीं करते, अंदर ऐसे कुछ गुप्त स्थान पर अपनी सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसमें लोग तंत्र मंत्र और साधनाओं की सिद्धि करते हैं। लोग इसमें एक जगह निर्जन स्थान पर रहकर माता की पूजा करते हैं। अब प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है, आइए अब देखते हैं अपन। इसमें प्रत्यक्ष नवरात्रि बसंत और शारदीय में आती है, जो दूसरी नवरात्र आती है उसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा होती है और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। थर्ड प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना होती है, नृत्य होते हैं, उत्साह होता है। लेकिन गुप्त नवरात्र में तांत्रिक साधना होती है, सिद्धियों की प्राप्ति की साधना होती है। गुप्त स्थान पर रहकर तांत्रिक साधना की जाती है। नंबर फोर्थ, प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए माता की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रा में सिद्धि प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है। और फिफ्थ, प्रत्यक्ष नवरात्रा में माता का प्रमुख रूप माता पार्वती होती है और गुप्त नवरात्रा में माता काली की पूजा की जाती है। तो ये अंतर है प्रत्यक्ष नवरात्रा और गुप्त नवरात्रा में। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।